हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर साल की भांति इस साल भी नागानी में भाद्रपा महीने की एकम को सुबह से ही माजिस के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी और माजिसा का पैदल संग रवाना होने से पहले आरती की जय जय के नारे लगे। माजिसा के भोपी जी बाईसा प्रकाश कुंवर सबसे अपने हाथों से माता जी की आरती उतारी और पैदल संग यात्रा को रवाना किया। रवाना से पहले आसपास गांव के लोग माजिसा के ध्वजा हाथों में लहराते हुए जय जय से मंदिर गूंजा और मंदिर से रवाना होते हुए पूरे गांव में ढोल बाजे और डीजे के साथ पूरे गांव और हर गली से माजिसा का पैदल संग घूमता हुआ पामेरा की तरफ रवाना हुआ और शाम को पैदल संग गुलाबगंज माजिसा मंदिर पहुँचेगा। पैदल संग में महिलाएं, बच्चे और कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रास्ते में जय जय के गुजारे से गुज उठा। इस मौके पर नागानी, पोसितरा, पामेरा, डांगराली, सनपुर, जोलपुर आदि गांवों के लोग मौजूद थे। नारहल सिंह देवड़ा, जगमाल सिंह देवड़ा, कानाराम चौधरी, जितेंद्र सिंह देवड़ा, पीर सिंह मालम सिंह, डांगराली विनोद छिपा, नारायण राव, अजयपाल सिंह, कांते सिंह परमार, महेंद्र भाई पोसितरा, राजू सिंह राठौर और कई माता बहने मौजूद रहीं। वहीं पैदल संग यात्रा गांव के बाहर निकला तभी रेवदल पंचायत समिति के नागानी, पामेरा, पोसितरा, वान हड़मतिया के कांग्रेस उम्मीदवार दौलाराम मेघवाल नागानी ने पैदल यात्रा संघ का स्वागत की और माजिसा का आशीर्वाद लिया। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।